नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान स्कूलें बंद हैं, बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह जारी रहे। नियमित ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने, प्रतिमाह इकाईवार पाठ्यक्रम पूर्ण करने और उसका नए आदेश अनुसार मूल्यांकन करने के संबंध में गुरुवार को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी के डोंगरे भी शामिल हुए। बैठक में बच्चों के प्रमोशन, नामांकन, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य ऑनलाइन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करने, हमारा घर हमारे विद्यालय के निर्देशों का पालन, शालाओं के बच्चों से संपर्क कर रिकॉर्ड रखने, प्रतिदिन समर्थन फॉर्म और फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन दर्ज करने, नामांकन, रजिस्ट्रेशन और समस्त ऑनलाइन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। बड़वाह से सागर जाट की रिपोर्ट। अभी का 4 दिनों से हम जिले के सभी हमारे 240 प्राचार्यों के साथ में कार्यशालाएं कर रहे हैं और कोविड को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए हम 50-50 की बेचेस में जो है हम ब्लॉक वाइज प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं और जो नई शिक्षा नीति के तहत जो आंतरिक मूल्यांकन का एक जो काम चल रहा है हमारा, जिसमें 6 माह में हमारे पूरे कोर्स को करना है और 70 नंबर का हमारा जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा, इसमें से ही नंबर जो है बोर्ड की परीक्षा में 9 से 12 तक दिए जाएंगे और 30% जो अंक रहेंगे उसकी परीक्षा जो है मार्च या जैसा भी निर्देश आएंगे, पर 30% की एग्ज़ाम होगी और 70% हमारे इंटरनल असेसमेंट के द्वारा नंबर दिए जाना है। तो उसमें किस प्रकार से इकाइयों का विभाजन किया जाएगा, कुछ ऐप्स है जिनके बारे में बताया, एक माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक ऐप आया है माशिम के नाम से, उस ऐप को सारे प्रिंसिपल और सारे विद्यार्थी उसको ऐप को अपने पास रखेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उसमें विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन होगा, प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन होगा और शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन होगा और ये जो रजिस्टर्ड हमारे विद्यार्थी होंगे इनको मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र आएंगे और इनके उत्तर बच्चे जो है घर पर लिखेंगे। ये ओपन बुक हमारा सिस्टम रहेगा, पुस्तक में से बच्चे लिख पाएंगे और वो जो प्रश्न पत्र लिखेंगे वो कॉपी को स्कूल में जमा कराना पड़ेगी, शिक्षकों के ही द्वारा जो है उसका फिर मूल्यांकन किया जाने के बाद में जो शिक्षक के पास में आईडी और पासवर्ड हमने दिए हैं जो बोर्ड से आए हैं उसी के द्वारा फिर वो अंकों को जो है उस पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार जो है लगातार हमारी ये प्रक्रिया चलेगी, तो इस प्रक्रिया की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज इन सबको आमंत्रित किया गया था और ये हमारा अंतिम हमारा ये ब्लॉक है हमारे पूरे 8 विकास खंड के हमारे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।